मैं हूं नंदन, आप देख रहे हैं मेरे चैनल अनबॉक्सिंग प्रोडक्ट। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पेपल का अकाउंट बनाइएगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप पेपल के वाउचर जो मिले हैं आपको कैशबैक के, जो आपको कैशबैक के वाउचर मिले हैं आपको, उसे आप कैसे अपने पेटीएम वॉलेट में लाइएगा। मैं आपको ये सारे डिटेल्स बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। गाइस, आपको नया अकाउंट बनाना है, आप परेशान हैं, इसके सारे स्टेप बहुत सारे लंबे स्टेप हैं। मैं आपको बताऊंगा किस स्टेप बाय स्टेप आप क्या करें, कैसे बनाएं पेपल अकाउंट। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जैसे आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है पेपल, आपको यहाँ पर दिख जाएगा पेपल इंडिया के नाम से एक वेबसाइट, उस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। उस वेबसाइट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का होम पेज दिखेगा जिसमें लिखा रहेगा साइन अप फॉर फ्री, उसमें आपको क्लिक करना है। उसे क्लिक करने के बाद ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, जो कि ये है कि आपको यहाँ पे फॉर शॉपर्स फॉर बिजनेस इस तरह का लिखा रहेगा कुछ, तो आपको यहाँ पे फॉर शॉपर्स करना है। उस फॉर शॉपर्स में क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन टिपना है। नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद आपको कुछ ईमेल आईडी और कुछ पासवर्ड वगैरह देने का ऑप्शन आएगा, उसे डालने का ऑप्शन आएगा, तो आप उसे फिलअप कर दें। उसे फिलअप करने के बाद कंटिन्यू कर लें, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मांगेगा, फर्स्ट नेम वगैरह, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेशनलिटी, फ़ोन नंबर, ये सब सारा फिलअप कर लें आप जल्दी से। और फिलअप करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है। नीचे आपको देखने को मिलेगा एग्री एंड क्रिएट अकाउंट, उसे कर लें। और एग्री कंटिन्यू करने के बाद आपको 2 रुपये का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, वो भी डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड से। तो यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बहुत ही मस्ट है, तो यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड को ऐड कर लेना है। मैं जल्दी से यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, मेरा जो मास्टर कार्ड है तो मैं यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ। और यहाँ पे मुझे 2 रुपया देना है, तो मैं यहाँ पे 2 रुपया दे चुका हूँ, पर यहाँ पे कोई रुपीज़ नहीं दिखेगा क्योंकि ये एक कन्फर्मेशन के लिए है। तो यहाँ पे मास्टर कार्ड मेरा दिख रहा है और यहाँ पे अकाउंट में मेरा 0 रुपीज़ दिख रहा है। तो आपको मैं KYC करना है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा है, वहाँ पे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको पैन कार्ड का ज़रूरत पड़ेगा आपके KYC करने के लिए। तो पैन कार्ड बहुत ही मस्ट है, तो विदाउट पैन कार्ड ये नहीं होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो बेकार का इसमें मेहनत मत कीजिए पेपल पे। तो आइए इसमें इस पेपल में जाके ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे पैन कार्ड देख सकते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे पेपल का इन्फॉर्मेशन डाल दें, सारा कार्ड नंबर डाल दें और यहाँ पे एड्रेस को डाल दें। एड्रेस डालने के बाद सबमिट कर दें, तो यहाँ पे आपको कुछ इसी तरह का फिर से होम पेज खुल जाएगा और होम पेज में ही उसी तरह नॉर्मल खुलेगा। तो फाइनली ये मेरा अकाउंट जो है वो बन चुका है, पूरा रेडी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैं आपको कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा पेपल का, आप वहाँ पर आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँगा वाउचर के बारे में कि आपके पास वाउचर है 200 रुपये का हो या फिर 400 रुपये का है, आपको उसे पेटीएम पे लाना है। उसे कैसे लाएँ, कैसे होगा, ये मैं आपको ये सारा प्रोसीडर बताता हूँ। अब आपको jingoi.com इस वेबसाइट को खोल लेना है, उसमें आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको वहाँ पे सर्च करना है पेटीएम। आपको पेटीएम का यहाँ पे आपको गिफ्ट कार्ड खरीदना पड़ेगा, वो भी आपको पेपल की तरफ से आपको पैसा दे करके, तो वो आपका पैसा जो है वो आपके पास मिल जाएगा वापस आपके पेटीएम में ही। आपको सर्च करने के बाद 2 गिफ्ट कार्ड दिखेगा, एक 500 रुपये का, एक 200 रुपये का, तो आपको 200 रुपये का सेलेक्ट कर लेना है। और आपको कार्ट में जा कर के जो पे करने का ऑप्शन आएगा उसे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 210 रुपये आपको देना पड़ेगा, जो कि 200 रुपये कटने वाला है आपके पेपल से और 10 रुपये कटने वाला है आपके पॉकेट से। तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा क्योंकि इसका डाटा हैंडलिंग चार्ज या फिर जो बोलते हैं सर्विस टैक्स वगैरह जो आपके लग रहा है इसका, तो 10 रुपये आपको देना ही पड़ेगा। तो आइए मैं इसे जल्दी से प्रोसीड कर देता हूँ, तो इसे मैं पे करता हूँ। पेपल में आपको जा कर के आपको सेलेक्ट करना है जब आपको पे करना रहेगा, तो यहाँ पे मैं पेपल सेलेक्ट कर लेता हूँ। पेपल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट ऐड कर लेना है अपना पेपल का।
अकाउंट ऐड करने के बाद आपको जब पे करने का ऑप्शन आएगा तो 200 रुपये से आपको कटने वाला है पेपल के जो कैशबैक वाउचर मिले थे उससे, और 10 रुपये आपको डेबिट कार्ड से देना पड़ेगा। तो वो आपका डेबिट कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि मैं मास्टर कार्ड है तो ये मास्टर कार्ड दिख रहा है, पर मेरा यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया है गाइज, क्योंकि जो मेरा वाउचर था वो वाउचर 6 तारीख से वैलिड है, मैं 6 तारीख से वैलिड है और 31 अगस्त तक ये चलेगा। तो ये मैं 6 तारीख के बाद ही कर सकता हूँ, पर मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कैसे करेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए मैं प्रोसीड हो गया, ये तो उसके बाद आपको यहाँ पे पेटीएम का एक कोड आया है जो कि कोड दिखा है, उसे कोड को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको पेटीएम में जा करके एड मनी में जा करके वहाँ पे 200 रुपये लिख करके आपको प्रोमो कोड है वो प्रोमो कोड में क्लिक करने के बाद वहाँ पे जो आपको दिखेगा एक वहाँ पे कूपन कोड डाल देना है। कूपन कोड करने के बाद एड मनी करना है, आप जैसे ऐड मनी कीजिएगा वो आपके पैसा जो है 200 रुपीज़ वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, जो कि आपके नीचे में भी देखिए ट्रांजेक्शन देख सकते हैं आप, लिखा गया है कि कैशबैक रिसीव फ्रॉम पेटीएम। तो ये 100% वर्क करता है, ये जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप आराम से इसमें आप कैशबैक को है वो ले सकते हैं, इसका पैसा आपको पेटीएम वॉलेट में मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।